नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं क्योंकि आप लोग ने कमेंट किया है कि जैसे कि पोषण ट्रैकर में अगर नंबर गलत हो जाए तो आप लोग किस प्रकार से चेंज करेंगे, यानी आपको चेंज किस प्रकार से करना है। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप एक दो बार जरूर हमारे वीडियो को देखते आप देखिए, क्योंकि आपको समझ में आ ही जाएगी। आप लोग देखबे करते हैं, जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल हमेशा हर माह या दो महीना तीन महीना पर ये अपडेट होती है, तो आप भी तो अपडेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और आसानी से समझिए, एक बार नहीं समझे दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मोबाइल है, मोबाइल तो एक मोबाइल है जो ये तो सॉफ्टवेयर पर काम करती है, ये हमेशा दो या चार महीना पर अपडेट करती रहती है। आप तो मनुष्य, आसानी से आप लोग अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि पोषण ट्रैकर में, यानी कि पोषण ट्रैकर में जैसे कि आपने जब पुराने लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसमें आप क्या किए होंगे कि मोबाइल नंबर गलत लिख दिए होंगे, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। यानी कि आप लोग देखते होंगे, खोलेंगे या प्रेग्नेंट वोमेन में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो उसमें फाइल खुल के आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द बेनिफिशरी, तो यहाँ पे आप लोग नाम तो लिखा हुआ रहेगा जो भी नाम हो, ठीक है नाम, तो देखें कि इस तरह से नाम रहेगा, उसका हस्बैंड नाम रहेगा, जो भी नाम रहेगा उसका हस्बैंड का नाम रहेगा, यहाँ पे आधार नंबर रहेगा जो 12 अंक का रहेगा इस तरह से आप लोग को, उसके बाद हेल्थ आईडी छोड़ देना है, इस तरह से आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा ये डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे डाला हुआ रहेगा, और यहाँ पे रहेगा मोबाइल नंबर, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि एक मोबाइल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 समझ लीजिए कि हम ये गलत लिखे हैं, क्योंकि ये गलत आप लोग लिखे हुए होंगे, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसी के बारे में आज खास वीडियो है कि हम लोग इसको हटा के इसके जगह पर हम लोग दूसरा कैसे लाएंगे। तो हमने कमेंट हुआ आया हुआ था इसीलिए हमने ये वीडियो बनाए हैं, तो चलिए आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ये मोबाइल नंबर हम लोग चेंज कैसे करेंगे, यानी कि आप लोग समझें कि इस फोन नंबर को हमने खो दिया, माने कि लाभार्थी का जो नंबर लिए थे वो गलत हो गया या खो गया, उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि पोषण ट्रैकर खोलना होगा। जैसे ही खोलेंगे तो इस तरह से पेज खुल जाएगी, और खुलने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, काहे कि आप लोग पहले से लॉग इन किए होंगे, तो इस तरह से आप लोग को फाइल खुल के आ जाएगी, और आने के बाद आप लोग को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जितना भी लाभार्थी है उसका रजिस्ट्रेशन इस तरह से आप लोग को किए होंगे, वो संख्या भी दर्ज दिखा रहा होगा, और इस तरह से आप लोग को लाभार्थी का फाइल सब करके आ गया होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि क्योंकि आप लोग जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस दिन आपने अगर गलती से मोबाइल नंबर दूसरा को चढ़ गया होगा, या गलत चढ़ गया होगा, या उसके बाद आप लोग का फ़ोन खो गया होगा या मोबाइल नंबर खो गया होगा, तो इस तरह से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि आप लोग का मोबाइल नंबर बंद हो गया, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपडेट, मतलब अभी का जिसके पास लाभार्थी के पास मोबाइल होगा तो उनको हम किस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को इतना डिसाइड करना होगा कि हमने इस लाभार्थी को, जैसे कि हमने यहाँ पे खोला लाभार्थी, और इस लाभार्थी में से हमने किसका लाभार्थी का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मान लिए कि हमने यहाँ पे एक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि एक लाभार्थी का मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे एज इसका 4 ईयर है और इस श्रेया कुमारी के नाम से है। तो इनके घर पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मेरा जो ये लाभार्थी का मोबाइल नंबर हम पूछें तो वो मोबाइल नंबर इनका नहीं था, और हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है 3 डॉट यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा फ़ोन नंबर का यहाँ पे साइन दिया जा रहा है, तो इस तरह से, और आधार नंबर का यहाँ। तो हम लोग को क्या करना है कि फ़ोन नंबर चेंज करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि वेरीफाई करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे वेरीफाई के लिए आप लोग को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, यानी कि अंडर वेरीफाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई पर करेंगे आधार नंबर को,
आधार नंबर, जिनका आधार नंबर होगा उनका, इसे वेरीफाई पर करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या कर देना होगा कि सबमिट कर देना होगा इस तरह से। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक यहाँ पे दिखा देगा, अपलोड रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली दिखाएगा। और उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जो दिया गया है फ़ोन नंबर, यानी कि फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले वेरीफाई नाउ पे हम लोग जाएंगे, और जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस तरह से इनका मोबाइल नंबर ये था, यानी कि ये मोबाइल नंबर था, और ये मोबाइल को हम लोग यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं इस तरह से। जैसे कि हम ये नंबर काट दिए और न्यू नंबर हम लोग डाल लेते हैं जो लाभार्थी के पास अभी है, ये नंबर हमने डाल लिया। और डालने के बाद आप लोग को क्या करना है कि सबमिट मारना है। आप जैसे ही सबमिट मारेंगे इस तरह से, तो सबमिट मारने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हैव ए बीन सेंडेड योर मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पे जो ओटीपी जो सेंड हुआ है आपके मोबाइल नंबर पे। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये नंबर को, जो नंबर में दूसरे लाभार्थी का मोबाइल नंबर होगा उस पर आप लोग को ओटीपी गिर गया होगा। तो वो मोबाइल में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो नंबर पे ओटीपी गिरा होगा। देखने को मिल रहा है कि जैसे कि हम लाभार्थी का जो हमने अभी नंबर डाला है न्यू वाला, तो इस तरह से मेरा ओटीपी गिर के आ चुका है। और आने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ओटीपी टू सेंड एम पिन इज, यहाँ पे जो ओटीपी है जो चार अंक का दिया गया है, और इस तरह से एंड इज वैलिडिटी फॉर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट का ये वैलिडिटी दिया गया है। और भी है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नॉट शेयर ओटीपी, तो यहाँ पे आप लोग को ये शेयर भी नहीं करना है ये ओटीपी को। तो हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ पे 6948 माने कि 6948 यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग क्या डालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो ओटीपी हमने डाला वो ओटीपी हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालने के बाद आप लोग को क्या करना है कि वेरीफाई कर देना है। तो इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मोबाइल वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड, इस तरह से आप लोग को मैसेज आएगी। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा जो लाभार्थी है उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग वेरीफाई करेंगे, और जिनका आधार नंबर नहीं डाला हुआ रहेगा उनका आधार नंबर ओनली वेरीफाई नहीं रहेगा। और आप लोग को यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो फ़ोन नंबर हम डाले ये वेरीफाई हो चुका है। जब आधार कार्ड आ जाएगा तो आप लोग आधार कार्ड को भी वेरीफाई कर लेंगे। आप लोग को जो वीडियो में दिखाए हैं इस तरह से आप लोग को करना है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है, आधार नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड जो है ये बच्चे का नहीं था, इसलिए आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए मेरा फ़ोन नंबर ओनली वेरीफाई है। और इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया, क्योंकि आज हमने वीडियो में कमेंट आया हुआ था कि सर जो मोबाइल नंबर हमने खो गया है वो दूसरा नंबर चाहते हैं चेंज करना। तो इस तरह से आप लोग चेंज करेंगे ये मोबाइल नंबर। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कतें होती होगी तो आप लोग कमेंट करते रहिए, और हम लोग वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।